अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अली उस्मान और आप मेरा यूट्यूब चैनल अली उस्मान ब्लॉग्स देख रहे हैं। भाई आज अभी हमारी सुबह हो चुकी है, इस वक्त तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं और हमने सबसे पहले आके यहाँ पे देखे हैं अपने तोते, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया। तोते आपको बाद में बताऊँगा, सबसे पहले करके आते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आपको पता है भाई हमारा संडे का एक ही नाश्ता होता है और वो होता है बहुत ज़्यादा स्पेशल बाकियों से। तो चले भाई नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि भैया आज 12 रबीउल अव्वल है और आज के दिन ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, तशरीफ़ लेके आए थे और साथ में इसी दिन उनकी वफ़ात हुई थी। तो आप कोशिश ये करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उन पर दुरूद व सलाम भेजें, हम भी कोशिश यही करते हैं। और साथ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें जैसे कि जिससे सवाब हो। हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि भाई इस दिन ना हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सारे ना कुछ खाने पीने की चीज़ें पका के बांट देते पूरे शहर में, ताकि उनके जितना भी सवाब होता है ना सारा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे। तो चलें भाई हम लोग भी, आज का हमारा इरादा कुछ ऐसे ही है। तो साथ चलें आपको दिखाते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, और लाइट नहीं है तो साथ में जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर चला के नीचे चलेंगे और जो हम लोग पकाएँगे वो आपको दिखाते हैं। तो चलें मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद जैसे हम नीचे जाते हैं। तो और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, तमाम आशिकान रसूल को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। गाइस फाइनली यहाँ पे अभी धीमी आंच पर रखी हुई है देख यहाँ पे बिरयानी की, चले आपको दिखाते हैं क्या देखें यहाँ पे। तो ये धीमी आंच पर रखी है, यहाँ पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो तैयार हो जाएगी, रेडी होगी, आपको दिखाएंगे। और साथ में असल में ना अभी 12 रबीउल अव्वल का दिन है ना, उस दिन हम लोग बांटते पूरे शहर में ये बिरयानी वगैरह, ये ऐसी कोई भी ऐसी कोई चीज़ मीठा वगैरह कुछ भी, मतलब कि जो बांटने लायक हो तो लोग खाते हो, हम लोग शहर में बांटते हैं। और जिसका इसका जो ना इसके ऊपर पहले दुआ करते हैं कि भाई इस पर जितना भी इसका सवाल होगा सारा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे, और उनका जो जितना भी सारा सीन है ना जितना भी सवाल होगा सब उनको ही पहुँचे। तो साथ में हम यही बोलेंगे भाई कि अपने ब्लॉग आगे मजीद बढ़ाएंगे, थोड़ी देर में जैसे ये पकती आएगी बिरयानी। और साथ में भाई थोड़ी देर पहले मैं क्लिप देख रहा था, उस पर बंदा ना बोलता है भाई 5 रुपये वाली चिकन बिरयानी मांगते हैं वो, और बंदा उसको कवा बिरयानी खिलाता है, फिर वो थोड़ी देर में खाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है कवे वाली। तो अभी मुझे भी यही लग रहा था यार इसमें कहीं मैं कवा बिरयानी डालूँ, तो मैंने सोचा यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इतने कवे कहाँ से लाएंगे। अबे साले, तो जो सीन मैंने करना था वो आप लोग समझ सकते हैं, मगर छोड़े आप क्या कर सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ अभी। कैसा लगा मेरा मजाक? और हम लोग गए हैं इस वक्त ग्राउंड, इस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाई गर्मी है यार, और साथ में संडे तो सन और डे मतलब सूरज का दिन शाबाश, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और थोड़ी देर में यहाँ पे हम लोग जाएँ ग्राउंड, जैसे ही थोड़ी धूप वगैरह कम हो जाए 5 बजे 5:30 बजे तक जैसे काम खत्म हो जाए, तो जब तक ये तैयार होगी 20 मिनट में, तो फिर मिलेंगे आपको 20 मिनट के बाद। तो चले मिलते हैं आपको 20 मिनट के बाद। तो चलो 20 मिनट्स लेटर। तो गाइस
बिरयानी फाइनली तैयार हो चुकी है, चलें आपको दिखाते हैं बिरयानी। और मुझे लगता है इसमें नमक कम हो गया है तो नमक भी डालेंगे थोड़ी देर में। मैं नहीं डालूंगा क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि भाई कितना नमक डालना है, जो एक्सपर्ट बंद होता है वही सही हिसाब से नमक डालता है। तो नमक डालेंगे ये घर वाले खुद, मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा और थोड़ी देर में इनको हिस्सों में लक्ष्मी करेंगे, मतलब कि फ्रिजों में डाल के चॉपर में डाल के उसको बिल्कुल बांध के फिर मुझे देंगे। मैं जाके घर घर जाके बांध के आऊँगा, घरों में जाके देख के आऊँगा और आपको दिखाऊँगा भाई हम लोग कितने ऐसे बनाते हैं और क्या सीन होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब आपको दिखाएंगे। तो चलें फिलहाल आपको बिरयानी दिखाते हैं। चलो अब देखिए यहाँ पे भाई इतना बड़ा कपड़ा लगाया ऊपर, आप देखें माशाल्लाह से दिखने में माशाल्लाह से बहुत अच्छी है भाई। मैंने ट्राई की थी मगर मैंने घर वालों को बोला यार इसमें नमक वगैरह कम है, नमक इसमें ऐड करो। फिर नमक ऐड करने के बाद इसमें जो हिस्से बनाएंगे, वैसे भी अभी थोड़ी देर में अजान शुरू हो जाएगी फिर जाएंगे नमाज के लिए, तो साथ में इससे पहले पहले एक सारा काम खत्म करना है। फिर इसके बाद हो सकता है हम लोग भी ग्राउंड चले जाएँ तो अगर मगरब नहीं हुई तो, क्योंकि आजकल मगरब हो जाती है जल्दी, फिर टाइम होता है हमारे पास दिन में कम। तो चले भाई इसका अपना जितना भी काम है सब खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस ये बिरयानी हमने इसे बना दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखें आप, मतलब कि ये एक हिस्सा है और ये इसे हमने बना दिया। मेरे साथ अब्दुल्ला हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे शहर में, चले हाँ। तो मैं और अब्दुल्ला जाते हैं ये पूरा बांट के सबके घर में देखे और वापस आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे आने तक और जो ना लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। हम आते हैं थोड़ी देर में, से पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट में हम लोग वापस घर आएंगे और हमारे पास यहाँ पे एक भी हिस्सा बाकी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। चलो 1 minute 37 seconds later। तो गाइस हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड, आप चलें हमारे साथ। तो भाई चलते हैं हम लोग ग्राउंड, ग्राउंड में चल के थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करेंगे और मिलते हैं आपको ग्राउंड में थोड़ी देर के बाद। 10 seconds late. तो गाइस फाइनली हमारी ग्राउंड में एंट्री हो चुकी है और अभी हम फायरिंग कर रहे हैं और हमारे साथ अच्छे यहाँ पे गेंद पर टेप लगा रहे हैं और ये बॉलर हमारे साथ, इनकी थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं भाई हम लोग। तो भाई अभी इनको पैसे देंगे हम लोग, मैच फिक्स करेंगे इनके साथ। 73 का टारगेट है 4 ओवर में और सामने हाशिम भाई बैटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई क्या होता है मैच, हम आपको लाइव दिखाएंगे जो भी होगा सब। अगर जीते तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो अगर हारे फिर नहीं दिखाएंगे। तो चलो भाई मैच शुरू होता है हमारा। तो गाइस हम लोग ये वाला मैच हार गए और हम लोग एक इज्जतदार कौम है, मैं लियास भाई हाशिम भाई, हम लोग दोबारा नहीं खेल रहे भाई, तू इज्जत ज़्यादा प्यारी है ना लियास ना, सबसे बढ़ के इज्जत नहीं, मैं नहीं खेल रहा, जाओ बैठ जाओ। हाँ अंपायर खड़े होते हैं, आ जाओ अंपायर, चलो भाई मैं अंपायर खड़ा होता हूँ, मैं वैसे भी खेल रहा तो हूँ नहीं, चलो अंपायरिंग करते हैं फिर जाके अपना ब्लॉग एंड करेंगे। 3 hours later तो गाइस फाइनली हम लोग ग्राउंड से आ चुके हैं और साथ में अभी यहाँ पे ना हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आते हुए ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मतलब कुछ खाने को दिल कर रहा था मीठा, हमने सोचा यार चलो एक पान खा लेते हैं, काफ़ी टाइम से हमने खाई नहीं थी, तो रास्ते में आते वक्त हमने साथ लेके आए थे, तो चले ये खाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं और फिर अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। आपके सामने उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे भाई इसमें क्या क्या, सब पूरी नहीं खाएंगे भाई, पूरी नहीं खा सकते एक साथ, जितनी हम खा सकेंगे उतनी हम खाएंगे। तो चले आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हम इसको खोलेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे भाई। इसको अबे एक हाथ मेरा इधर है एक हाथ उधर है, अभी ऐसे ही खोलेंगे
ये आ गई हमारी आन। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है, आप देखिए। एक मिनट आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर आप सही से दिखेगा नहीं भाई तो हम इसको खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। Amazing. अंदर आप देखेंगे, देखे नजर आ रहा है ना? नहीं काफी कुछ भरा अंदर। खाएंगे यार, चलो पूरी खाते हैं। बहुत भर गए भाई हमारा मुंह। हम अभी फिर इतने खाते हैं फिलहाल तो। अभी हमने ये रख दिया तो चले अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया मैं। आज 12 रबीउल अव्वल है। इस दिन ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और उनकी वफात भी थी। और इस दिन ना लोग चीज़ें बांटते हैं साथ में और अपने घरों को सजाते हैं लाइटिंग से, मतलब बेहतरीन करके सजाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये दिन ये लोग मनाते हैं एक ईद के तौर पर, ईद मिलादुन्नबी। इस दिन को हम लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने देने दी, हालांकि हमारा ब्लॉग था इसमें हमने आपको दिखाया किस बारे में, हमने आपको दिखाया कि हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। हम लोग चावल बांटते हैं, ये चीज़ें बांटते हैं। मैं भी जो बोल रहा हूँ आपको सही से मेरे ख्याल समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरे मुँह में सब पान बढ़ी है तो मुझे पीने वाली फीलिंग आ रही थी। अच्छा अच्छा तो चले मेरी आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मुंह मेरा भर चुका है तो चलें मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।